हम सोच रहे हैं कि बनारस जाकर माधव के अस्थि को प्रवाहित करते। रुद्र जी, बाबू जी, एक मिनट रुकिएगा। अब तुम क्या कहना चाहती? कि वो जो आदमी आए थे, जो अपने आप को माधव भैया कह रहे हैं, उन्हें एक मौका तो देना चाहिए। इस घर में कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये ऑपरेशन का पेपर एक बड़ा सबूत होगा जो हमारी पहचान करवा सकता है। अम्मा जी, अरे चंदा, तुम हमारे कमरे में यहाँ क्या कर रही थी? सॉरी अम्मा जी, वो बाबूजी हमरा से कहने के माधव बाबू के बैंक के पासबुक आपके कमरा से लेके आवे खातिर, हम बस पासबुक खोजत रहनी, हमरा के कहीं दिखाई ना देली, तो हम सोचे कि एक बार ये बैग में भी चेक कर लेते। अच्छा, तो तुमको पासबुक चाहिए था, लेकिन हम तुमको बताए थे ना कि इसमें वृद्धाश्रम में बांटने वाला कपड़ा है। अब तुम जाओ, हम पासबुक लेके आते, ठीक है? जी। अच्छा चंदा बेटा, तुम ठीक से आराम नहीं कर रही हो का? वो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत हलकान लग रही हो बेटा तुम। देखो बेटा, तुम थोड़ा कम चला फिरा करो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। बाल बाल बच गए, आज तो हमारा सारा पोल पट्टी खुल जाता। अब इसको हम कौन सुरक्षित जगह पे रखेंगे? इस घर में कोई भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन ये ऑपरेशन का पेपर एक बड़ा सबूत होगा जो हमारी पहचान करवा सकता है। इसको देखने के बाद इस घर का हर कोई हमें गले लगा लेगा। ये क्या हो गया? मौसम कैसे बदल गया? हवा कैसे चलने लगी? माफ करना, हम आपको पहचाने नहीं। हम माधव। माधव बाबू, हम बहुत दुविधा में फसल बानी। हमरा के कुछ समझ में नहीं आवत कि कहा सही है और कहा गलत। आप हमरा के छोड़ के काहे चल गई? बोले ना, हमरा के ऐसा हालत में छोड़ के काहे चल गई? हे भगवान, ये कहाँ हो गई? Thank you.
रुका चंदा, हमारी बात सुना। चाहे केहू विश्वास करे ना करे, लेकिन हमारा मालूम बा तो हमारा विश्वास जरूर करबो। तू हमारा और चित्रा खातिर का ना कही। तू बचपन से लेके आज तक हमरा से बहुत प्रेम कैलू, लेकिन तुहरा प्रेम में कब्बो कोनो कमी ना आए। अब ये कुछ दिन पहले जब हमनी पति पत्नी भेनी और जब सबके बीच में हम ये बात की घोषणा कही, तो तू एक आदर्श बहू जैसा सबके साथ बहुत अच्छा सा संबंध निभालू। चाहे बहू जी रहना, अम्मा रहनी, एक बड़ी बहू जैसन उनके बहुत सेवा कैलू। आज के जमाने में कौन औरत ऐसा संबंध निभावली? अब कुछ है दिन पहले जब हम रुद्रा से कहनी कि तोहरा से माफी मांग, तो हम देखनी कि तुहार आंख भराई। अभी ही अभी हमारी पत्नी और तुम्हारी भाभी से मुक्ति दे। रुद्रा तुहरे साथ दुर्व्यवहार कैलन, तू केहू से कोनो शिकायत ना कैलू, बस ये बात हमरे दिल में चुभ गई और हम रुद्रा से कहनी कि तुहरा से माफी मांगे। कौन बात के पेपर रहल? हमरे बेगुनाही के सबूत, ये हमरे प्लास्टिक सर्जरी के पेपर रहे। जोन डॉक्टर हमार चेहरा बदल दे, ओकर पेपर रहे। पता नहीं का हुए। ये सब सबूत तो अब जल गए जब हमारे नियति में यह सब लिखल हुआ, तो केहू का करी? अब हमारा के कोनो पेपर, कोनो बात और कोनो सबूत से ना, अपना दिल से फैसला लेवे को हुए। चंदा, जैसे तू दिल के बात सुने लू ना, अब हमहू के दिल के बात सुने के पड़े। क्या बात है चंदा, कुछ बोला? चुप कहे भाड़ू। अजीब दुविधा आ गई बा हमरे सामने। ये आदमी माता बाबू के बारे में जोर कुछ भी कहते, सब सच है, लेकिन हमार मन ये बात माने खातिर तैयार नहीं के कि ये हमार माता बाबू होवत, हमार माता बाबू ना हो। चंदा, ये पेपर जो आग में जल गई, तू एक बेर देख ले तू ना, तो कोनो दुविधा में ना रह तू। ये पेपर में चेहरा का कुछ डिजाइन रहा, डिजाइन मतलब चेहरा का बनावट ढांचा। हमारी चेहरा तो बिल्कुल ले बिगड़ गई है। अगर इस चेहरा के साथ हम यही जा आईती, तब तुहरे मन में ऐसे ही दुविधा रहा। बाकी हमारा सब याद बा, कैसे हमनी के संगे लूटपाट भे, कैसे लुटेरा तोरा के चाकू के नोक पे रखलस, कैसे हम तोहरा के बचावे खातिर कार से धक्का दे देने। लेकिन सब कुछ इतना जल्दी भेल कि हमरा सोचे के कोनो मौके ना मिला। ये कुल बात सोच के हमार दिल छटपटा छटपटा के रह जाल। दुनिया में हमरे जैसन मजबूर आदमी केहू ना बा।
कुछ समय पहले हमारी आदत खो गई रहे, अब हमारा असली चेहरा खो गई है। लेकिन अब यूं हम वह माधव बानी, हमारा आंख में अम्मा खातिर पहले जैसा आभार बा और मन में वह पहले जैसा सम्मान, और सबसे बड़ी बात ये दिल में वह प्यार आज भी बा, प्यार आज भी बा, जो हम पहले चित्रा खातिर धड़कत रहे, तोहरा खातिर धड़क रहा बा। आखिर दिल के धड़कन पर हमार का काबू, तो हमेशा तोहरा खातिर धड़कत रहे। अब तू हमारे दिल के बात सुना चाहे ना सुना, हमारा कोनो फर्क ना पड़े। रुका चंदा, आखिर एक विधवा के नाते तू अपन जेवर गहना चूड़ी कंगन श्रृंगार और बिंदी सब उतार दे लू, बाकी ये लॉकेट और चेन कहना उतार लू, चेन कहना उतार लू, कहे कि ये चेन हम अपने हाथ से पहनाए गए, हाथ से पहनाए गए। बोला काई झूठ बा, अच्छा चला केहू एकदम बचपन के बात तो झूठ ना बोली ना। बचपन में हमने के गुड्डा गुड़िया का खेल खेलत रहनी, ते एक बेर तू हमरा से कहले रहलू कि तू हमरा से ब्याह करबू। हाँ हाँ ठीक बा, जब हम बड़ हो जाएं तब तो ही से ब्याह करे। बोला का इहो झूठ बा, तुहरा का तो याद होखी ना। हमको छोड़ के कहां चले गए बेटा, हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, तुम्हारे बदला यमराज हमको काहे नहीं ले गए, हमको ले जाती तो ज्यादा अच्छा होता। बेटा एक माँ अपने बच्चे के बिना, अपने कलेजे के टुकड़े के बिना कैसे जिएगी बेटा, कैसे जिएगी कैसे जिएगी। नीला हिम्मत रखो, संभालो अपने आप को। माँ ये माधव भैया का अस्थि कलश, हम सोच रहे हैं कि बनारस जाकर माधव के अस्थि को प्रवाहित करते। तेरा दिन कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला हमको, ऐसा लगता है कि माधव कहीं नहीं गया हमारे पास, हमारा कलेजा का टुकड़ा हमारे पास है। इस सच्चाई को तो स्वीकारना ही होगा कि माधव हम लोगों के बीच में नहीं है। ये माधव भैया का अंतिम निशानी, ये माधव भैया की अस्थि कलश। बाबूजी जब तक इसे हम गंगा जी में प्रवाहित नहीं करेंगे ना, अम्मा इसी तरह बेचैन होती रहेंगी। ये माधव भैया की अंतिम विदाई, खुद को संभालिए प्लीज। नहीं नहीं, अरे माधव को हमसे अलग मत करो रुद, मत नहीं जाए इसको, हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे हम, मत ले जाओ। नहीं नीला संभालो अपने आप को, जाना तो पड़ेगा ही, और नहीं तो माधव के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपने आप को संभालो नीला,
बाबूजी अब हम लोग को चलना चाहिए। चलो बेटा रुद्र। बाबूजी रुद्र जी एक मिनट रुकिएगा, हमें आपसे कुछ बात करना है। अब तुम क्या कहना चाहती हो बोलो। अरे क्या कहना चाहती हो बोलोगी? आप सब हमारी बात समझने की कोशिश करिएगा। रुद्र जी बिगड़िएगा नहीं, बस ठंडे दिमाग से सुनिएगा। तुम ठंडे दिमाग से ही सोच रहे, आगे बोलो क्या कहना चाहती हो। रुद्र उसको बोलने दो, बोलो क्या कहना चाहती। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वो जो आदमी आए थे जो अपने आप को माधव भैया कह रहे हैं, थे, 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 एक मौका तो देना चाहिए। क्या बोली तुम उस बरूपियों को? अरे उसको हम मौका दें? पागल हो गए तुम, तुम्हारा दिमाग होश में है? क्या मौका दें उसको हम? देखिए जी अगर वो बहरूपिया होगा तो हम सब निश्चित रूप से उनको घर से निकाल देंगे, लेकिन आप सब खुद सोचिए अगर वो माधव भैया हुए तो? बाद में अगर हम सबको सच्चाई मालूम हुआ तो कितना पछताना पड़ेगा। तुम्हारा ना कुछ ज्यादा दिमाग चल रहा है। अरे माधव भैया की अस्थि कलश है और यह सच्चाई है और हम सबको स्वीकारना होगा। अरे तुम क्या चाहती हो कि कोई भी नया चेहरा लेकर के आ जाएगा और बोलेगा कि हम माधव हैं तो हम मान लेंगे कि वो माधव भैया हैं? काजल तुमको क्या हो गया, तुम ऐसे काहे कह रही? माधव के जाने का दुख हमको भी बहुत थे, लेकिन हम अपना होश हवास खोए नहीं, इसलिए हम तुमको कह रहे हैं कि अपना होश हवास बचा के रखो, नहीं तो लोग तुमको पागल कहेंगे और किसी को भी हम अपना बेटा कैसे मान सकते हैं? कोई भी ऐरा गहरा उठ के आ जाएगा और कहेगा कि हम माधव हैं तो हम मान लेंगे? अम्मा जी हम ही कहां कह रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि उस आदमी ने जितने डिटेल में हमारे परिवार की बातें बताई हैं, वो कोई अनजान नहीं हो सकता है, वो कोई घर का सदस्य ही हो सकता है, और हमको उनका बात सुन के यही लगता है। देखो काजी एक बात बोले, तुम ना बहुते भोली हो जिसको कोई भी आदमी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। वो आदमी को पता है तुम्हारी ये कमजोरी, इसलिए वो इस सब सहारा लेकर के ना हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। लेकिन तुम भी समझ लेना हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं, और एक बात सुन लो अगर वो आदमी यहाँ दोबारा आया ना तो उसको बोल देना। लेकिन वो आदमी हम सबको बेवकूफ क्यों बनाएगा? माधव भैया के धन संपत्ति पे कब्जा करने के लिए, और इतना समझना कोनो मुश्किल नहीं है। तुमको क्या लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा करके कहेगा कि हम माधव हैं तो हम मान लेंगे कि माधव भैया हैं? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। देखिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम सबको उन्हें एक मौका देना चाहिए, मन में कोई दुविधा नहीं रहना चाहिए, कम से कम मन की दुविधा मिटा लेने के लिए ही उनको इस घर में आने दीजिए। हमको कोनो दुविधा नहीं, अब ज्यादा मत बोलो तुम, चुप रहो। अच्छा तो अब हमको समझ में आ गया, ये आदमी तुम लोगों का इस्तेमाल करके ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम पगला गई हो का? अरे कौन एंगल से माधव लगता है तुमको? कहां से, न सूरत में न शकल में? कोई भी इंसान आकर के तुमको अपने परिवार का कहानी सुनाएगा तो तुम मान लोगी कि माधव है उमरा?
अरे इसके अलावा कौन और सबूत है उसके पास? माधव भैया है हेलो।